हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिख दी लाइफ। आज संडे है तो कुछ संडे स्पेशल में नाश्ता तो मन करता है खाने का, तो आज मैंने ट्राई किया है मैकपफ, जो कि मैकडी में अवेलेबल होते हैं ओनली। तो ट्राई कर किया तो अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे ये बनाया है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने भी ट्राई किया है, और ट्राई किया तो कैसा बना आप लोगों के घर। तो देखते हैं आगे। ये हमने पानी लिया, नॉर्मल पानी भगोने में लिया। ये सब तक सब्जियां हमने छील के रख ली। उसके बाद पानी बॉईल हो रहा है, उसमें हमने कॉर्न डाले जो कि पैकेट में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ढक दिया उसको, तब तक हमने सोचा कि आटा गूंद के रख लें। ऑयल मिला के थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, मिक्स किया इसको अच्छे से और एक डो तैयार कर लिया। टाइट होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं। उसके बाद जो सब्जियां चॉप करी थी, अब बनाते हैं मिक्सचर। रिफाइंड डाला, फिर वेजिटेबल्स जो हैं डाली हमने, गाजर हो गई, शिमला मिर्च, प्याज भी आप डाल सकते हैं। हम लोग प्याज नहीं खाते तो प्याज नहीं डाला हमने, प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने गाजर डाल ली है, कैप्सिकम हो गई और टमाटो हो गए। इसको अच्छे से हमने थोड़ा देर पकने दिया। और इसमें जो जो मैंने ऐड किया था, उसमें टमाटो सॉस थी, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, यही सब मैंने आइटम डाले थे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हम, बहुत नॉर्मल खाते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल सब्जियां थी हमारे पास। टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसको ढक के रख दें तो वो जल्दी पक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने उसको चलाया है, तो उसको ढक दिया ताकि पक जाए सब्जियां अच्छे से। और ज़्यादा भी नहीं पकानी होती, बहुत हल्का सा कच्चापन इसका दूर हो जाए, इतना ही पकाना है। और आप देख सकते हैं ये पक चुकी है। इसमें नमक डाल दिया है, फिर इसको थोड़ी देर और ढक दूंगी। जो कि पक रहा है धीरे धीरे, उसके बाद मैंने आपको बताया था टमाटो सॉस मैंने 2 जो टेबल सर्विस स्पून थी वो लिया था, कॉर्न ऐड कर दिए हैं। और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स तो आजकल सबके घर इजीली मिल जाता है, बिकॉज़ सब लोग पिज़्ज़ा खाने में माहिर हो गए हैं, तो और सबके पास बच भी जाते हैं वो, तो वो हमने ऐड किया। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, जो कि जैसा आपको ठीक लगे, तेज कम, जैसा अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। टमाटो सॉस हो गया, सब अच्छे से मिक्स किया, थोड़ी देर पकने दिया। वैसे पिज़्ज़ा मैकपफ तो सबको बहुत पसंद होता है ना, मगर बनाने में बहुत टेंशन होती है, बट बहुत इजीली बन रहा था। और ये मैंने चीज़ ग्रेट करके रखी थी, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत पकाना नहीं है इसको, क्योंकि हम फ्राई करेंगे तब वो मेल्ट हो जाती है। बस एक बार मिला देना है ताकि इसमें जितना भी सॉल्ट और सॉस है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये पेस्ट पूरा तैयार हो गया है, अंदर की स्टफिंग। अब हम तैयार करेंगे इसका कवर। छोटी छोटी लोइयाँ ली हैं, उसको मैंने बेली थी। मुझे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो मैंने 2 लोइयाँ लेके उसको अच्छे से बेल के उसको रेक्टेंगल शेप में इसको कट किया था। कट करके देखिए मैं कैसे बना रही हूँ वीडियो में, थोड़े लंबा लंबा बेल के, और इसे मैंने नाइफ़ की हेल्प से कट कर लिया था। कोई कोई इसे गुजिया वाला जो आता है ना साँचा, उसमें भी बना लेता है। कोई लंबा सा बेल के बीच में स्टफिंग भर के साइड से फिर इसको फोल्ड करके ही बना लेते हैं। तो बाकी मैंने वैसे ही बनाए थे फोल्ड करके, बट फर्स्ट जो बनाया था मैंने कटिंग करके ही बना लिया था। फिर मॉम ने एडवाइस किया कि इसको ऐसे करो, फिल करके और फिर फोल्ड कर लो। फिर देखिए मैंने कैसे कट किया है। फिर सेकंड भी ऐसे ही बेल के उसे भी इसी शेप में कट कर लिया था। फिर एक के ऊपर फिलिंग करके रख के उसको ऊपर से पेस्ट कर दिया। देखिए आप मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैं पैन में ऑयल डाल रही, तब तक वो गर्म होगा फ्राई करने के लिए। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि पैन में हम लोग फ्राई नहीं करते हैं, कढ़ाई में गर्म किया जाता है। हो जाती हैं गलतियाँ छोटी छोटी।
ये मेरी फिलिंग है जो कि मैंने 1 स्पून था, बड़ा वाला स्पून था थोड़ा सा, और ये ऊपर से इसका कवर पेस्ट किया मैंने, एक्स्ट्रा जो था उसे कट कर दिया था। एंड फ्रॉक जो होता है उसकी हेल्प से मैंने उसके साइड में डिज़ाइनिंग कर दी थी, जैसे होता है मैकडी में जाएं तो थोड़ा सा वैसे ही हुआ था, सेम तो नहीं था बट हाँ थोड़ा बहुत वैसे ही था। वैसे इसकी शक्ल कैसी भी बनी हो देखिएगा आप, बट खाने में ना बहुत अच्छा ही टेस्ट आ रहा था, सेम वैसा ही टेस्ट था। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, कि जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ मैकडी नहीं है, और जहाँ मेरा अपना मायके था वो वहाँ पर मैकडी था, तो मैं इसकी फ़ैन हूँ मैकपफ की, तो इसीलिए मुझे ये घर पे बनाना पड़ा, नहीं तो कौन बनाता है यार, जाके अपना खा लेते हैं। ये देखिए ये 2 छोटी छोटी गोलियाँ के आपके यहाँ भी डालते हैं कैसे। ये मैंने फ्राई किया उसको, डीप फ्राई, फ्राई करने पे देखिए थोड़ा सा ब्राउन, जिसको जैसा पसंद हो, किसी को लाइट ब्राउन पसंद होता, किसी को डार्क ब्राउन, मैंने थोड़ा मीडियम कर लिया था। हाँ मेरा मैकअप बहुत बड़े बड़े थे कि एक खाएंगे तो पेट भर जाएगा अच्छे से। ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। ये मेरा फ्राई हो चुका है, अब आप देखिए कैसा लग रहा है। ये दोनों अच्छे से फ्राई हो गए, ये मैंने किया है सर्व, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बब